आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी चना दाल की सब्जी। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है कि अगर आपके घर में कोई लौकी नहीं खाता तो इस सब्जी को खाने के बाद आप इसे ज़रूर बनाना शुरू कर देंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेशियस टाइम में। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना दाल, लौकी चना दाल, जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें आप चना दाल में बच्चों को लौकी या फिर घिया कद्दू डालकर भी खिला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है ये सब्जी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आज की आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है आधा कटोरी के करीब चना दाल। इसके लिए आप घर की कोई भी कटोरी को सेट कर सकते हैं। इसे 2 घंटे के लिए मैंने भिगोकर रख दिया था। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये फूल चुकी है और हाथों में नाखून से दबाने पर ये आसानी से टूट रही है। तो दाल जो है भिगोकर रखी थी, इसका पानी अब ये वाला निकाल देंगे। ये पानी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 कप के करीब मैंने ली है लौकी, जिसे मैंने अच्छे से धोकर छीलकर काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब दाल का पानी मैंने निकाल दिया है और दाल और लौकी दोनों को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें अगर आपके पास लौकी ना हो तो आप घिया कद्दू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी ये दाल बहुत टेस्टी बन कर के तैयार होगी। कुकर में सबसे पहले हमने डाली है दाल, उसके बाद हमने डाली है कटी हुई लौकी, बीच में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज, 2 मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, नमक डाला है दाल के अनुसार, जितनी हमें दाल अभी पकानी है स्वाद के अनुसार डालिएगा, हल्दी डाली है 1/4 TSP और पानी डाला है इतना कि जितने ये दाल पूरी तरह से भीग जाए। और 4 विसल हम दिला लेंगे गैस पर। पहली विसल हम तेज आंच पर दिलाएंगे और बाकी की 3 मीडियम आंच पर। दूसरी साइड एक पैन में मैंने तड़का लगाने के लिए तेल को गरम कर लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच के करीब जीरा, 2 पिंच के करीब मैंने हींग का इस्तेमाल किया है। जीरा जब चटक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें मैंने अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है और लहसुन मैंने 3 से 4 कलियाँ डाली हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। लहसुन अदरक हल्का गोल्डन कलर का होने पर मैंने इसमें डाले हैं 2 टमाटर, बिल्कुल प्यूरी उनकी बनाकर उसका इस्तेमाल किया है। उसे पैन में डाल देंगे और तेज आंच पर तब तक पका लेंगे जब तक कि इसका पूरी तरह से पानी सूख ना जाए। तब तक हमें इसे टमाटर को पकाना है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से टमाटर में मिक्स हो जाएं, और तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि ये पैन से तेल ना छूटना शुरू हो जाए। और लगातार चलाते आप देख सकते हैं तड़का जो है हमारा तैयार हो चुका है, इससे तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम दाल को चेक कर लेंगे दूसरी तरफ। दाल को 4 विसल आ चुकी हैं। मैंने इसका पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद ढक्कन को ही खोला है, आप देख सकते हैं। अब 1 चम्मच की मदद से देख लेंगे कि लौकी और चना दाल अच्छे से पक चुकी है कि नहीं। आप देख सकते हैं चम्मच के दबाने पर ये इजीली सॉफ्ट हो चुका है पूरी तरह से। लौकी और चना की दाल को अगर हम हाथों से देखेंगे तो ये पूरी तरह से गल चुकी है। तो दाल हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है 4 विसल में।
अब जो हमने तड़का लगाया था टमाटर और लहसुन अदरक का, अब हम इसमें डाल देंगे। सारी दाल को मैंने इसमें डाल दिया है और एक बार चला लेंगे, अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला है और कुछ लंबी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं देखने में भी और खाने में भी। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, दाल में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। दाल देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हैं एकदम घुल चुकी है तड़के के साथ। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। इसे आप रोटी के साथ, परांठे के साथ, राइस के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। इतनी टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है, बच्चे भी मज़े से खाएंगे जब आप ये दाल बनाएंगे। और कैसी लगी आपको आज की मेरी ये चना दाल लौकी की रेसिपी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद ये कैसी बनी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।